फार्मेसी में आज जो है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, ठीक है, इसमें जो है वाटर पॉल्यूशन की वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। ठीक है, और आप जो है इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, और साथ में क्या है इसकी नोट कहीं पे नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आज थोड़ा लंबी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। ठीक है, ठीक है, तो जो पर्यावरण पे क्या है प्रभाव है उसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है फिजिकल, तो फिजिक पर्यावरण। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द इनिमिनेट मैटर सच एज एयर वाटर हाउसिंग एज फूड विथ व्हिच ए मैन कम इन द कॉन्टेक्ट फिजिकली। ठीक है, तो क्या है जो भौतिक पर्यावरण है, ठीक है, तो ऑल इनिमिनेट मैटर मतलब क्या है सभी निर्जीव पदार्थ का क्या करता है गठन करता है, और जैसे कि एयर मतलब हवा, वाटर वाटर मतलब जल, ठीक है, हाउसिंग मतलब आवास, एंड फूड मतलब क्या है भोजन, व्हिच ए मैन कम्स इन द कॉन्टेक्ट फिजिकली। ठीक है, तो क्या है मतलब क्या है जैसे हवा पानी आवास और भोजन, ठीक है, जिसके साथ एक व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या है संपर्क में आता है। ठीक है, ओके, अब क्या देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब क्या है जीव जैविक। ठीक है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द लिविंग वर्ल्ड वर्ल्ड अराउंड मैन एग्जाम प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटीसी। ठीक है, तो क्या है मतलब जैविक, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब क्या है जैविक इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, मनुष्य के अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है, सभी लिविंग मतलब जीवित वर्ल्ड मतलब दुनिया में, ठीक है, क्या करता है गठन करता है, जैसे कि पौधे पशु सूक्ष्म जीव। ठीक है, जैसे अब देखो जैविक पर्यावरण मनुष्य के चारों ओर, ठीक है, सभी जीवित दुनिया का, ठीक है, क्या करता है गठन का होता है करता है, जैसे कि पौधे पशु सूक्ष्म जीव। ठीक है, ओके, अब क्या है अगला सोशल। ठीक है, तो सोशल मतलब क्या है सामाजिक। ठीक है, तो सोसाइटी कल्चर एजुकेशन इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन रिलीजन लाइफ स्टाइल ईटीसी कॉन्स्टिट्यूएंट द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ मैन। ठीक, तो क्या है मतलब सोशल मतलब समाज, ठीक है, कल्चर मतलब संस्कृति, एजुकेशन मतलब शिक्षा, ठीक है, और क्या है इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ठीक है, और कंडीशन स्थिति, ठीक है, रिलीजन मतलब क्या है उसकी धर्म, ठीक है, और लाइफ स्टाइल मतलब उसकी जीवन शैली। ठीक है, तो क्या करता है आदि मनुष्य के सामाजिक वातावरण का क्या करता है निर्माण करता है। ठीक है, ओके, द सोशल इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसीज। ठीक है, तो क्या है सोशल इन्वायरमेंट रोग प्रवृत्तियों में एक क्या है इम्पोर्टेंट मतलब क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। हाँ, अब देखिए क्या इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक है, जो क्या है पर्यावरण स्वच्छता। ठीक है, तो पर्यावरण स्वच्छता क्या है एज बी नोन दैट डिसीज आर कॉज्ड बाई इंट्रैक्शन बिटवीन एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या है एज बी नोन मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं क्या डिसीज मतलब क्या है रोग एजेंट, ठीक है, और क्या है मेजबान और पर्यावरण के जो इन्वायरमेंटल के बीच में के बिटवीन मतलब बीच में क्या है बातचीत के कारण होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन ए एजेंट एंड होस्ट कॉज ए डिसीज। ठीक है, तो क्या है वाटर, ठीक, मतलब पर्यावरण एक एजेंट और एक मेजबान के बीच क्या है रोग का कारण बनने में क्या एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ठीक है, देखते हैं वाटर, तो वाटर देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है वाटर मतलब पानी। तो देखिए पानी का जो है ना क्या है हमको ये है कि देखिए हम जो है पानी अगर हम स्वच्छ स्वच्छ जल पीते हैं तो हम क्या है स्वस्थ रहते हैं, अगर हम अस्वच्छ जल पीएंगे दूषित जल पीते हैं तो क्या है बीमारियाँ होती, अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, अगर हम दूषित जल पिएंगे तो हमको अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं जैसे कि कालरा डिसेंट्री टाइफाइड वायरल डिसीजें हो जाती हैं,
बहुत सी बीमारियां होती है। इसीलिए क्या है, हर हमेशा आप जो भी पानी पीजिए क्या साफ स्वच्छ जल पीजिए, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं वाटर के बारे में, ठीक है। तो वाटर द वाटर में देखते हैं द कम कंजम्पशन ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो क्या है, जो पानी, ठीक है, जो वाटर है उसकी क्या है खपत क्या है जलवायु की परिस्थितियों में, ठीक है, जलवायु की परिस्थितियों के जीवन स्तर और लोगों की आदतों, मतलब क्या है लोगों की हैबिट पे क्या है निर्भर करती है, ठीक है। हाउ एवर ए डेली सप्लाई ऑफ 150 टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड इज ए कंसिडर्ड एक्यूट एवलेंस, ठीक है। तो क्या है एवर में लिए, मतलब हालांकि प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति क्या है 150 से लेके 200 लीटर, ठीक है, पानी की दैनिक आपूर्ति को पर्याप्त माना जाता है। मतलब उसकी जो है एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दिन में कितना खर्चा करता होगा, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दिन भर में एक दिन में 24 घंटे में 150 से लेके 200 लीटर बहुत ही ज्यादा करता होगा, तो 250 लीटर। और आपको ये ध्यान, सब लोगों को यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप वाटर बचाइए, जल बचाओ, ठीक है। बहुत से लोग बेफालतू में जो जल बहाते हैं उसको, जल को नहीं बहाना जल, क्योंकि जो है बहुत ही अमूल्य है, ठीक है। इस वजह से क्या है, हम जल का जो है क्या करना है, जल का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। ए नंबर ऑफ डिसीज आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो क्या है, हमें पीने के लिए या पीने के सुरक्षित पानी की कमी के कारण क्या होती है, कॉज्ड बाय डिसीज, ठीक है। तो क्या होती है, ए नंबर ऑफ डिसीज, कमी के कारण कई बीमारियां होती हैं, ठीक है। और क्या है, ये बीमारियां कभी कभी क्या है सांख्यिकीय रूप से क्या है अत्यधिक हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है, हमारा जो मेन मकसद यही होता है, हम एक फार्मासिस्ट होते, जब हम एक फार्मासिस्ट के नाते हम लोगों को यही सलाह देंगे क्या है कि लोग जितने भी व्यक्ति हैं वो साफ स्वच्छ जल पिए। बहुत से देखा होगा रूरल एरिया में वगैरह में क्या है, लोग कुएं से पानी निकालते हैं, कुएं से पानी निकालने के बाद गंदा पानी है फिर भी उसको पीते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कभी वैसे अब तो ऐसी कंडीशन रह गए, अब तो हर जगह पे हैंडपम्प है, अगर हैंडपम्प से भी अगर लाते हैं तो आप उसको क्या है फिल्टर वगैरह कर सकते हैं, क्या है उसमें जितने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साल्ट वगैरह ना हो, ठीक है। चलिए अभी आगे उसी के बारे में देखते हैं, ठीक है, ओके। तो अब वाटर हो गए, अब देखते हैं क्या देखते हैं वाटर पॉल्यूशन, क्या वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जल प्रदूषण, ठीक है। तो जल हमारा जो प्रदूषण होता है, जल हमारे कौन कौन से कैसे प्रदूषित होते हैं, जल को हमें प्रदूषित होने से कैसे कैसे हम रोक सकते हैं, अगर हम जल प्रदूषण जल दूषित जल पिएंगे तो हमको क्या क्या परेशानियां होंगी, हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या पर क्या क्या मतलब कोई भी जल प्रदूषण अगर हम जल दूषित जल पिएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हानिकारक हो सकते हैं, उन हानिकारक होने के लिए या उन दूषित जल होने से दूसरी जल को रोकने के लिए क्या करेंगे, दूषित जल से हमको क्या है जो जल हमारा सोर्स है दूषित जल के होने के उनको क्या है रोकना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। और देखिए इसमें जो है जितनी भी डिसीज वगैरह भी होती हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, द टर्म्स प्योर एंड इम्प्योर आर ऑफ्टन यूज टू द इंडिकेट, ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या है मतलब जो प्रदूषण शब्द है या जो टर्म्स है शब्द है, ठीक है, प्रदूषण शब्द इंगित करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, मतलब पानी की जो विशेषता को क्या करता है इंगित करता है, ठीक है। प्योर वाटर मीन व्हिच डज नॉट कंटेन एनी सब्सटेंस लाइकली टू एंडेंजर द हेल्थ ऑफ इट्स कंज्यूमर्स, ठीक। तो क्या है शुद्ध जल का मतलब क्या है, जो प्योर जल है या शुद्ध जल का अर्थ क्या है, जिसमें कोई भी डज नॉट मतलब क्या है कोई भी पदार्थ ना हो जिसके उपभोग जिसके क्या है
उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर खतरा में या खतरे में डालने की संभावना होना हो। ठीक है, मतलब क्या है शुद्ध जल का अर्थ ये है जिसमें जिसमें ऐसा कोई पदार्थ ना हो जिसके कारण उपभोक्ता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ खतरा आने की या डालने की क्या संभावना हो। ठीक है, वाटर इज सेड टू बी इम्प्योर आर पॉपुलेशन व्हेन इट इज कंटामिनेट्स विथ ए फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या है वाटर इज सेड मतलब पानी की अशुद्ध या दूषित तब कहा जाता है। ठीक है, जब जब यह जो है निम्नलिखित प्रकार से दूषित हो। ओके, चलिए अब देखते हैं उसको, डिसोल्व इम्प्योरिटीज। ठीक है, डिसोल्व इम्प्योरिटीज मतलब क्या होता है, घुली हुई अशुद्धियां। ठीक है, ठीक है, दीज मे बी आदर गैसेस। ठीक है, आदर गैसेस लाइक, ठीक है, क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया नाइट्रोजन एंड आर डिसोल्व मिनरल्स लाइक साल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, क्या है या तो गैसें हो सकती हैं, ठीक है, आइदर मतलब या तो गैसें हो सकती हैं, ठीक है, या तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया नाइट्रोजन, ठीक है, और क्या होगा डिजोल्व या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जैसे खनिज क्या है घुलित होंगे, उसमें घुले होंगे। ठीक है, अब दूसरी क्या है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज दीज मे बी इनऑर्गेनिक लाइक सैंड साल्ट मुड एंड ऑर्गेनिक डेरिवाइड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर बैक्टीरिया एंड ओवा ऑफ वर्म्स। ठीक है, तो क्या है हम इसी को क्या कहते हैं सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज है उसी को हम क्या बोलते हैं निलंबन अशुद्धियां। ठीक है, तो ये क्या है ये अकार्बनिक हो सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक मतलब क्या अकार्बनिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक है सैंड मतलब क्या है रेत, नमक, नमक मिट्टी और क्या है वेजिटेबल। ठीक है, मतलब वनस्पति। ठीक है, और क्या है एनिमल्स वगैरह जो होंगे पशु। ठीक है, ठीक पशु पदार्थ और क्या है बैक्टीरिया और क्या है वार्म मतलब क्रमिक। ठीक है, के अणुओं से जो प्राप्त कार्बनिक होंगे। ओके, जो उनसे प्राप्त ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक होंगे। ठीक है, ओके, अब इसके बाद क्या देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, क्या देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन मतलब क्या है जो वाटर पॉल्यूशन के स्रोत हैं या सोर्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो क्या है पहला क्या है सीवेज। ठीक है, तो सीवेज को देखते हैं। ठीक, सीवेज इज बेस्ट वाटर फ्रॉम ए कम्युनिटी एंड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या है सीवेज मतलब क्या है एक जो है कम्युनिटी मतलब क्या है एक समुदाय का क्या है अपशिष्ट जल। ठीक है, और इसमें क्या है कार्बनिक मतलब क्या है ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या है कार्बनिक पदार्थ और क्या है पैथोजेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब क्या है रोगजनक जीव होते हैं ड्यू टू द इंटरमिनेटेड सप्लाई। ठीक है, इंटरमिनेटेड सप्लाई ऑफ वाटर द पाइप्स आर ऑक्यूपेशनली लेट एम्प्टी। ठीक है, तो क्या है हाँ ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है मतलब क्या है ड्यू टू मतलब क्या है रुक रुक के। ठीक है, पानी की आपूर्ति के कारण कभी कभी क्या है पाइप क्या है खाली हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं पाइप खाली हो जाते हैं। ठीक है, और टपका हुआ ठीक है या क्या कहते हैं जैसे आपने देखा हो कहीं पे टपका हुआ पानी और क्या है दरारों के मध्य। ठीक है, क्या है दरारों के मध्य। ठीक है, तो दरारों के मध्य जो है दरारों के माध्यम से सीवेज और अशुद्ध हवा। ठीक, अशुद्ध हवा से क्या है पाइप को जो पानी खींचा जाता है। ठीक है, सीवेज आई इम्प्योर एयर मे बी ड्रॉन इनटू द एम्प्टी पाइप्स थ्रू लाइकली ज्वाइंट एंड क्रैक्स। ठीक, मतलब ज्वाइंट मतलब क्या है जोड़ों में। ठीक है, मतलब पानी क्या है देखो पूरा समझ समझो आप जब क्या है रुक रुक के। ठीक है, पानी की आपूर्ति के कारण कभी कभी क्या है जब जो पाइप है वो खाली हो जाते हैं। ठीक है,
और टपका हुआ या जोड़ों में क्या है, ज्वाइंट मतलब जोड़ों में, और क्रैक्स मतलब दरारों के माध्यम से क्या है, सीवेज, और क्या है उसमें क्या है, एयर, जो क्या कहते हैं इम्प्योर एयर, मतलब क्या है अशुद्ध हवा, ठीक है। तो क्या है खाली पाइप खींचते, जैसे आप देखो समझो, जैसे आप कोई मोटर लगाते हो ना, ठीक है, तो कभी कभी क्या है जो पानी सप्लाई वाला पानी आता है ना, जब सप्लाई वाला पानी आता है तो सप्लाई वाले पानी देखिए, जब आप लोग मोटर लगाते हो तो पानी पूरा खींच लेता है, ठीक है। फिर क्या है, जब वहाँ से सप्लाई बंद हो गई टंकी से, तो क्या है वो पानी पूरा खाली हो गया, कुछ लोग जैसे वाले लगा दिए तो पूरा जो पाइप का पानी वो भी खींच किया जाता है, तो अब वो क्या है खाली पाइप हो गया, अब वो क्या हो गया खाली पाइप हो गया। अब सुनो, अब जब वो खाली पाइप हो गया, अब जब वो दोबारा पानी आएगा तो क्या है उसमें कुछ भी प्रकार की एयर वगैरह भी हो जाएंगी, ये एक चीज पॉइंट समझो। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन कहीं से लीक हो गई, सीवेज हो गई, मतलब कहीं पे छेद हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या पहले बात तो मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब खुला भी रहता है वो क्या है पानी जो है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लीकेज हो गया, तो जब लीकेज हो गया तो लीकेज होने के बाद क्या होता है उसमें क्या है, जब क्या है जब पानी आता है तो वो बहता रहता है, मतलब ऐसे एरिया में, और वो क्या है उसमें एयर भी खींचती है, खींची जाती है, बिल्कुल खींची जाती है, कहीं दरार है, कहीं ज्वाइंट है, कुछ है, अब उसके माध्यम से पानी आता है, कहीं रिश्ता है, कहीं पे मान लीजिए गंदगी है, कहीं पे कोई कचरा है, वहाँ पे अशुद्धि हो गई, वहाँ पे सीवेज, वहाँ पे क्या है लीकेज हो गया, तो क्या है वो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, और जो वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे उस चीज़ से क्या है हर जगह पर सप्लाई हो जाती है, तो ये क्या है उससे भी क्या है एक जो है वायु प्रदूषण, मतलब जल प्रदूषण के चांस है, चांस क्या है हो ही जाता है, ठीक है। जब आप मोटर वगैरह लगाते हो, कहीं से पाइप लीकेज वीकेज है, मान लीजिए कहीं से पाइप फटा है, या जब मोटर लगाते हो तो जब एयर करता है तो एयर खींचता है, तो क्या है वो मान लीजिए कहीं पे ऐसी जगह पे मोटर लगा जहाँ पे क्या है अशुद्ध एयर है, या क्या है एयर पॉल्यूशन भी है, और फिर वो खींच ली, तो क्या है वो एयर किस में मिल जाती है, उस पानी में मिल गई, जैसे वो पानी मिली तो क्या है वो जल क्या है प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक, ओके। और बस यही मतलब, और यही आप लोग और हम लोग क्या समझ नहीं पाते क्या है ये कैसे प्रदूषित हो गया, इसीलिए हर हमेशा जल को क्या है फिल्ट्रेशन करके ही पीना चाहिए, या बॉइलिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग वगैरह आप नहीं कर सकते मगर आप फिल्टर पानी पीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, मतलब क्या है कृषि से जो प्रदूषण होता है किस पे, पानी पे, ठीक है। तो क्या है रिवर्स कैनाल्स ETC, मतलब क्या है नदियां और नहरें मतलब इत्यादि, ठीक है, आर लेबल टू बी पॉल्यूटेड बाई फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो क्या है नदियां नहरें आदि क्या है उर्वरक और कीटनाशकों से दूषित होने वाले के लिए क्या है उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब क्या है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है, तो क्या है बेस्टेज हुईस कंटेन टॉक्सिक एजेंट, ठीक, मेटल साल्ट एंड ऑर्गेनिक, क्या एग्रीकल्चर, अब देखिए क्या है इंडस्ट्रियल, अब आपने क्या देखा एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, अब देखते हैं क्या इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड्स, बेस्टेज हुईस कंटेन्स टॉक्सिक एजेंट एग्जाम्पल मेटल सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिकल, ठीक है। तो क्या है जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं या इंडस्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, ठीक है, या ट्रेन मतलब जहाँ पे व्यापार है, ठीक है, औद्योगिक और व्यापार, ठीक है, तो क्या है वहाँ पे बेस्टेज मतलब क्या है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है टॉक्सिक मतलब क्या है जहरीले क्या है एजेंट होते हैं, ठीक, उदाहरण के लिए धातु लवण या और क्या है कार्बनिक सिंथेटिक रसायन, ओके। अब अगला क्या देखते हैं फिजिकल पॉल्यूएंट्स, ठीक, जो फिजिकल पॉल्यूएंट्स मतलब क्या होते हैं जो भौतिक प्रदूषक होते हैं, लाइक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब क्या होते हैं लाइक रेडियो एक्टिव, मतलब क्या जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब आगे इसका देखते हैं ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, क्या देखते हैं हजार्ड ऑफ
वाटर पोल्यूशन मतलब क्या है, जल प्रदूषण से खतरे, ठीक है, क्या है? जल प्रदूषण से खतरे। मेंस हेल्थ में भी अफेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर आइदर डायरेक्टली और थ्रो फूड, ठीक है, थ्रो फूड। द हजार्ड ऑफ वाटर पॉल्यूशन में भी क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, मेंस हेल्थ में भी अफेक्टेड बाय इंजेक्शन, ठीक है, तो क्या है, दूषित पानी से सीधे, क्या है, डायरेक्टली मतलब क्या है, सीधे, ठीक है, या फूड, फूड मतलब भोजन से, ठीक है, भोजन के सेवन से मनुष्य का स्वास्थ्य खतरे को निम्नलिखित क्या करते हैं, दो समूह क्लासिफाइड मतलब क्या है, टू ग्रुप मतलब क्या है, दो समूह में विभाजित करते हैं। अब देखिए यहां पे समझना, देखो जब क्या है, प्रदूषित पानी से सीधे, या तो प्रदूषित पानी से या तो भोजन से। अब भोजन में जैसे जैसे आपने देखा कि तालाब है और नदियां हैं, तो क्या है, जैसे दूषित है। अब वहां पे क्या है, जो मछलियां वगैरह हैं, फिश है, तो वो क्या है, जो लोग फिश वगैरह खाते हैं, अब वो क्या है, दूषित पानी में मछली मान लो होगी, तो ये स्वाभाविक बात है, अगर आप मछली खाओगे, फिश खाओगे, तो क्या होगा, उससे क्या है, आप भी दूषित हो जाओगे, आप भी क्या है, आपको कॉज बाय डिसीज मतलब क्या है, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, या कॉज हो जाएगा, कारण हो जाएगा बीमारी का, ठीक है। तो क्या है, आपने उस मछली को, फिश को खाया, तो आप भी क्या है, कुछ किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो गए, ठीक है। अब देखिए जो उसके दो ग्रुप है, या क्लासिफाइड किया गया दो ग्रुप समूह में, अब उसको देखते हैं। पहले क्या है, बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है, बायोलॉजिकल हजार्ड मतलब क्या है, जैविक खतरे, ठीक है। तो क्या है, आप जैविक खतरे देखते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल डिसीजेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर आर टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, बैक्टीरियल, वायरल, हेपेटाइटिस, पोलीमेलाइटिस, ठीक है, ओके। और क्या है, अमीबियासिस, ठीक है, और ग्रिडियासिस, ठीक, और व्हिपवर्म, राउंड वर्म, ठीक। तो क्या है, मतलब क्या है, दूषित पानी पीने से क्या है, जब हम दूषित या क्या कहते हैं, जो पानी पॉल्यूशन है या दूषित पानी को पीने से कौन प्रमुख जो बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड होती है, ठीक है, और क्या होगा, कॉलरा हो जाएगा, डिसेंट्री, क्या है ये, बैक्टीरियल है, ठीक है, या डिसेंट्री को हम क्या बोलते हैं, पेचिस वगैरह, ठीक है, तो पेचिस क्या है, बैक्टीरियल है, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, और हेपेटाइटिस आप जानते हैं सबसे खतरनाक बीमारी होती है, ठीक, जिसको एक बार हो जाए वो हेपेटाइटिस तो बहुत खतरनाक हो जाता है उसका जीवन, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर नहीं काम करता हो उसका, जिंदगी भर फिर पीता रहे लीवर का सिरप, जिंदगी भर खाता रहे लीवर की टेबलेट, जिंदगी भर लीवर का ट्रीटमेंट कराता रहे, इस वजह से क्या, जब शुद्ध पानी पियोगे किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, दूषित पानी पियोगे दूषित बीमार तुम्हारा शरीर हो जाएगा, दूषित बीमारियां हो जाएंगी तुमको, ठीक है। इस वजह से अब तो फार्मा, आप तो स्वयं फार्मासिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं, आप लोगों को बताइए, क्या बताइए कि आप जो है दूषित पानी नहीं पीजिए, ठीक है, ओके। फिर क्या है, पोलियोमेलाइटिस हो जाएगी वायरल, अमीबियासिस हो जाएगा, गिडियासिस हो जाएगा, गोल क्रमी, ठीक है, हिपवार्म वगैरह, राउंड वार्म मतलब क्या है, गोल क्रमी, हिपवार्म, ये क्या है, बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हजार्ड क्या क्या है, आप वाटर पॉपुलेशन में जो है क्या देखते हैं, दूसरा केमिकल हजार्ड मतलब क्या है, रासायनिक खतरे, ठीक है। केमिकल पॉल्यूएंट में अफेक्ट मैंस हेल्थ नॉट ओनली डायरेक्टली बट आल्सो इनडायरेक्टली बाय एसुमुलेटिंग इन एक्यूटिंग, ठीक है, यूज्ड एज फूड, ठीक है, ठीक, रासायनिक खतरे, ठीक है। तो क्या है, रासायनिक प्रदूषक ना केवल डायरेक्टली मतलब क्या है, ना केवल डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि परोक्ष रूप से भी, क्या है, परोक्ष रूप से भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली क्या है, एक्यूस या एक्यूएस जो क्या कहते हैं, एक्यूट यूज मतलब क्या है, एक्यूटिस मतलब क्या है, जली, ठीक है, क्या होंगे, जली जीवों, ठीक है, में जमा होकर मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको क्या, सिंपल सा फिश, जैसे आपने फिश का सेवन किया हो गया, ठीक। अब क्या देखते हैं आगे बाबू, देखते हैं ये, देखते हैं मेरे प्यारे फार्मासिस्ट, ठीक है, देखते हैं क्या है, फार्मासिस्ट होके इकबाल करिए, ठीक है।
लोगों को अच्छी प्रकार की सलाह दीजिएगा जहां भी रहें, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए हर चीज के बारे में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या है मतलब प्रिवेंशन, मतलब क्या है जो रोकथाम, ठीक है। पॉल्यूशन मतलब क्या है, मतलब क्या है प्रदूषण की, ठीक है। ओके, पहला देखते हैं, एजुकेटिंग द पीपल इन ऑर्डर टू द प्रिवेंट द रिलीज ऑफ पॉल्यूएंट्स इन टू वाटर सोर्सेस, ठीक है। तो क्या है वाटर सोर्सेस, मतलब क्या है जल स्रोतों में, ठीक है। जल स्रोतों में प्रदूषकों की क्या है, जो प्रदूषकों की क्या करता है, रिहाई कर दो उनकी, ठीक है। यार रिहाई को रोकने के लिए लोगों को क्या करना है, हमको एजुकेटेड मतलब शिक्षित करना है, ठीक है। इसके बारे में ये कौन कर सकता है, ये एक फार्मासिस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, अब क्या देखते हैं, द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सप्लाइड थ्रू पाइप वाटर सप्लाई, ठीक है। इफ द पाइप्ड वाटर सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, सैनिटरी वेल्स शुड बी प्रोवाइडेड, क्या है मतलब क्या है, जब पेयजल की आपूर्ति, ठीक है, पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन से की जानी चाहिए, मतलब क्या है उसकी जो है, जो जल की क्या करती, मतलब कि उनकी जो जल की सप्लाई होनी चाहिए वो क्या है, पाइपलाइन से की जानी चाहिए। या यदि पाइप से क्या है आपूर्ति संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है हमको, सेनेटरी वेल्स कुओं, मतलब क्या है सेनेटरी कुओं को क्या है व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जहां पे पाइपलाइन की क्या कहते हैं पाइपलाइन की वहां पे व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो क्या है वहां पे क्या सेनेटरी कुएं की इस्तेमाल करना चाहिए, सेनेटरी कुओं की क्या है व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। आगे, कन्वेंशनल एंड द स्पेशल वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, ठीक है, शुड बी रेगुलरली इंप्लॉयड, ठीक। तो क्या करना चाहिए, पारंपरिक और क्या है विशेष जल शोधन, ठीक है, या विशेष जल शोधन, ठीक है, टेक्निक को क्या करना चाहिए रेगुलर, मतलब क्या नियमित रूप से नियोजित किया जाना चाहिए। जैसे जैसे कि अब जैसे मान लीजिए क्या कहते, जैसे मतलब एक एम्प्लॉय रख दिए, एम्प्लॉय रखने के बाद क्या करेंगे, उसके जो जल शोधन की जो व्यवस्था है टेक्निक है उसको जो नियमित रूप से करोगे, तो उसमें क्या है ब्लीचिंग पाउडर है या कॉलोनीकरण द्वारा क्या है कीट कीट शोधन करने के लिए, अब लोग तो जाएंगे नहीं, किसी न किसी व्यक्ति की एक क्या है एम्प्लॉय की जो क्या जरूरत पड़ जाएगी इसलिए। ओके, अब क्या देखते हैं आगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन लार्ज स्केल, मतलब क्या है लार्ज स्केल, मतलब क्या है बड़े स्केल में, मतलब क्या है बहुत बड़ा स्केल, मतलब बहुत बड़ा भंडारण वगैरह भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। ओके, प्यूरिफिकेशन मतलब क्या है उसका शुद्धिकरण, मतलब क्या है बड़े पैमाने पर जल का शुद्धिकरण, ठीक है। ओके, द प्रिंसिपल मेथड एम्प्लॉयड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड लार्ज स्केल और, ठीक है, जो क्या है उसका प्रिंसिपल सिद्धांत है, एम्प्लॉयड फॉर द प्यूरिफिकेशन मतलब क्या है जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, इन लार्ज स्केल मतलब क्या है बड़े पैमाने में, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए, स्टोरेज मतलब क्या है भंडारण करके, फिल्ट्रेशन मतलब करके शुद्धिकरण करके, और क्या है क्लोरीनीकरण, क्या है क्लोरीनीकरण करके, ठीक है। ओके, अब पहला क्या देखते हैं स्टोरेज, तो स्टोरेज मतलब क्या है भंडारण, तो क्या है स्रोत, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो वाटर, वाटर ड्रॉन आउट फ्रॉम द सोर्सेज इन स्टोर इन नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज रिसीवर्स, ठीक है। तो क्या है मतलब क्या है जो स्रोतों से निकाले गए या वाटर को क्या करेंगे, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, या क्या है आर्टिफिशियल मतलब क्या कृत्रिम जलाशयों में क्या करेंगे भंडारण, मतलब उसको संग्रहित करेंगे, भंडारण करेंगे किया जाता है, ठीक। ड्यूरिंग स्टोरेज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग चेंज, ठीक है। तो क्या है जो क्या कहते हैं ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग स्टोरेज मतलब क्या भंडारण के दौरान, ठीक है, क्या निम्नलिखित परिवर्तनों या चेंजेस के कारण क्या है काफी मात्रा में क्या शुद्धिकरण होता है, ठीक है। अब पहला देखते हैं क्या फिजिकल, तो क्या है फिजिकल, अब इसमें क्या है स्टोरेज में, पहला स्टोरेज में क्या है पहला देखते हैं, ठीक। अभी स्टोरेज में जो स्टोरेज में जो पहला है वो क्या है फिजिकल, फिजिकल चेंज मतलब क्या है भौतिक परिवर्तन। तो
तो भावतिक परिवर्तन को देखते हैं, अबाउट 90% ऑफ द सस्पेंडेड इंप्योरिटी इज सेटल डाउन इन 24 आवर बाय ग्रेविटी। भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो क्या निलंबन औषधियों का लगभग क्या है 90%, मतलब क्या है 90%, ठीक है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण द्वारा क्या है 24 घंटे में क्या है बस जाते हैं, ठीक है। और क्या है पानी साफ हो जाता है, ठीक। जैसे बता दूं कैसे क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी जगह पे क्या है बहुत ज्यादा स्टोरेज किया, ठीक है। तो जब कहां बहुत ज्यादा स्टोरेज किया, बहुत लार्ज अमाउंट में कहीं पे स्टोरेज किया, तो स्टोरेज करने में क्या होता है, वहां पे आपने स्टोरेज किया तो स्टोरेज मतलब कोई अगर इसमें इम्प्योरिटीज होगी तो इम्प्योरिटीज क्या होगा, जब पानी जो है मतलब क्या है एक तरह से अपनी लैंग्वेज में बोले शांत हो जाएगा, तो शांत हो जाएंगे तो जो उसका क्या है कचरा वगैरह है वो क्या है नीचे तली में जाके बैठ जाएगा और ऊपर का पानी क्या हो जाएगा एकदम साफ क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है इम्प्योरिटियां जो इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां होंगी वो क्या है हट जाएंगी, इम्प्योरिटीज क्या है नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब क्या दूसरा क्या है केमिकल चेंजेस, द एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडेज द ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या है मतलब क्या एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या है कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों का क्या है ऑक्सीडेशन मतलब क्या है ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। और किसमें घुलित ऑक्सीजन की सहायता से या हेल्प से क्या है जल में उपस्थित होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या देखते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब क्या है जैविकी, ठीक है। ड्यूरिंग स्टोरेज एट टर्मिनस ड्रॉप इन द बैक्टीरियल काउंट टेक प्लेस विद इन ए वीक, ठीक है। तो क्या है भंडारण के दौरान, ठीक है, क्या है बैक्टीरिया की क्या है जो संख्या है, ठीक है, में क्या है एक वीक मतलब एक सप्ताह के भीतर जबरदस्त क्या है गिरावट मतलब क्या है उसका क्या है वो गिरावट हो जाएगी उसमें, ठीक है, ओके। अब आगे क्या देखते हैं, अब आगे देखते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब क्या है शुद्धिकरण। तो अपार्ट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज 98 to 99 ऑफ द बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब क्या है जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन में क्या है इम्प्योरिटीज में जो अशुद्धियां होती हैं क्या क्या होती हैं क्या 98% से लेकर 99% क्या है बैक्टीरिया रिमूव मतलब क्या है बैक्टीरिया रिमूव मतलब क्या है बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है, एक होता है स्लो स्टैंड फिल्ट्रेशन और एक होता है रैपिड, मतलब स्लो मतलब क्या है स्लो मतलब क्या धीरे धीरे जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और क्या है एक रैपिड मतलब बहुत फास्ट, रैपिड लगाया कि फास्ट हो गया, मतलब एक तो धीरे 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 हो रहा है और एक क्या है फिल्ट्रेशन किया फिल्ट्रेशन फिल्टर किया और ये हुआ, मतलब जैसे जैसे वो वाटर गिरता गया उसमें वैसे वैसे वो क्या है रैपिड तरीके से एकदम फास्ट तरीके से क्या फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक। अब उसके एडवांटेज देखते हैं किसके फिल्ट्रेशन के, कि जब हम फिल्टर करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं क्या क्या लाभ होते हैं, तथा फिल्टर वेट्स एक्यूपाई लेस स्पेस और क्या है उसमें लेस स्पेस मतलब क्या है बहुत कम स्पेस हो जाएगा, फिल्टर इज रैपिड क्या ये बहुत अच्छा है जल्दी है, ठीक है। वॉशिंग ऑफ द फिल्टर इन इजी और क्या है ये फिल्टर क्या है बहुत ही सिंपल है क्या है वॉशिंग मतलब वॉश के लिए, ठीक है, ठीक। तो क्या है फिल्टर मतलब समझ गए कि फिल्टर से क्या है हम फिल्टर दो प्रकार के इस्तेमाल करेंगे, क्या है स्लो मतलब ये लार्ज अमाउंट के लिए, ठीक है। अब जो जो क्या कहते हैं स्मॉल अमाउंट के लिए होगा तो घरों में छोटे छोटे फिल्टर वैसे भी हो रहते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या देखते हैं क्लोरीनीकरण देखते हैं क्लोरीनिकेशन, तो कि द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर बाय द क्लोरीनिकेशन इज ए मॉडर्न प्रोसेस। अब ये क्या है ट्रीटमेंट मतलब क्या है जो रोकथाम या क्या कहते हैं ट्रीटमेंट मतलब उपचार के लिए वाटर के मतलब क्या है वाटर पोल्यूशन का जो मतलब उपचार वगैरह है क्लोरीनिकेशन क्या है ये मॉडर्न मतलब क्या आधुनिक प्रक्रिया है आधुनिक प्रोसेस है। क्लोरीनिकेशन इज यूजली यूटिलाइज्ड एज ए ब्लीचिंग पाउडर और क्या है ये एक तरह का क्या है यूजली मतलब क्या है इसमें जो प्रयोग किया जाने वाला है यूटिलाइजेशन वगैरह जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज है किसके क्लोरीनिकेशन के, ठीक है, क्लोरीनीकरण के या क्लोरीनाइजेशन की क्या है एडवांटेज है तो मतलब क्या है उसके जो लाभ है। क्लोरीन किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये क्या करता है क्लोरीन ये क्या करता है
पैथोजेनिक मतलब क्या है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्या कहते हैं, मार देता है। इट कंट्रोल एल्गेर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और क्या है ये अदर ऑर्गेनिज्म जो है अन्य प्रकार के जीव ऑर्गेनिज्म है उनका क्या अलगाव करता है। ठीक है ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब ये देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल, मतलब क्या है? पहले क्या था लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मतलब क्या है? बड़े स्तर में, बड़े पैमाने में। अब क्या देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल तो मतलब क्या है, जो वह प्यूरिफिकेशन है, शुद्धिकरण है या फिल्ट्रेशन है, कुछ भी कर सकते हो, उसका क्या है वाटर जल का क्या है स्मॉल स्केल, मतलब छोटे मात्रा में। हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है, हाउस होल्ड मतलब क्या आवास, अपने आवास में वगैरह में, ठीक है। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड, क्या है फॉलोइंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्या बॉइलिंग करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर 5 to 10 minutes किल द ऑल बैक्टीरिया, क्या जब हम बॉइल करते हैं तो क्या है उसको टेम्परेचर में जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या लवण वगैरह जो धात्विक लवण वगैरह होते हैं वो क्या है खत्म हो जाते हैं, ठीक है ओके ओके। अब क्या देखते हैं, अब रिसोर्स ऑफ द एवरीवन नीड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो क्या है जो क्लीन मतलब पीने के सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की जो क्या कहते हैं नीड या आवश्यकता होती है, ठीक है, तो क्या है प्रोवाइड न्यूट्रिशनमेंट मतलब क्या है पोषण प्रदान करें, ठीक है, और क्या है प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज मतलब क्या है रोगों की रोकथाम या प्रिवेंशन हो डिसीज की रोगों की। हेल्प्स इन गेटिंग रेड ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब क्या है टॉक्सिन मतलब क्या है टॉक्सिन जो मतलब क्या जहरीले या विषाक्त पदार्थों से क्या है छुटकारा पाने में क्या करता है हेल्प करना है, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, मतलब क्या है नीडेड मतलब आवश्यकता है, आवश्यक है किसके, ठीक है, कृषि और खाद्य, क्या है कृषि और खाद्य मतलब एग्रीकल्चर एंड फूड मतलब क्या है कृषि और खाद्य, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब क्या है उत्पादन में, ठीक है, आवश्यक होता है कैसे, जैसे क्या है अगर अच्छा मतलब क्या है पानी होगा जो वाटर होगा, अगर वो वाटर नहीं होगा तो क्या है फसलें नहीं होंगी, ठीक है। अगर उसमें भी देखिए आप ये ध्यान करिएगा अच्छा सा वाटर होगा, अगर अच्छा वाटर होगा, ठीक है, नमकीन वगैरह नहीं होगा मतलब बहुत ही साफ जो स्वच्छ जल और मीठा जल होगा तो क्या है उसके प्रोडक्शन में भी बहुत क्या है फर्क पड़ता है किसके फसलों के, ठीक है ओके। अब क्या है इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैकल्टीज, ठीक है, स्वच्छता सुविधाओं में क्या है सुधार, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है बहुत ही गौर तरीके से जो भी मैंने ये कंटेंट तैयार किया था बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था, ठीक है, तो ये करिएगा। अब इसके बाद तो अगला जो चैप्टर मतलब क्या अगली जो वीडियो लेके आऊंगा इसकी क्या है उसकी डिसीज वगैरह के लेके आऊंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके तहलका